हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉन सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉन सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है मार्च मंथ के लिए, मार्च 2024। साल 2024 में मार्च का महीना कैप्रिकॉन सोल ट्राइब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, करियर का एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप्स ओवरऑल कैसी रहेंगी, एनर्जीज कैसी रहेंगी, इमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहेगा, लव का एस्पेक्ट क्या रहेगा, ये सब डिटेल्ड रीडिंग हम आपकी करेंगे। सो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आपको कनेक्ट ना करें, इसकी हर एक चीज़ से आप कनेक्ट ना कर पाएं। सो इसीलिए सबसे पहले हम रीड करेंगे आपकी एनर्जीज, और एनर्जीज से ही देखेंगे कि पूरी कहानी क्या रहने वाली है। ओके, सो इन चार कार्ड से मैं रीड करूंगी आपकी एनर्जी ओवरऑल कैसी रहने वाली है। एंड यहाँ पे है चैरियट, एंड सेकंड कार्ड इज द व्हील। गुड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, गुड, वेरी गुड, एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे है आपके फोर कार्ड्स हैं, फोर कार्ड से मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, जो जिस एनर्जी में आप अभी करंटली प्रेजेंटली हैं। इस रीडिंग को आप जब मर्जी देख रहे हैं, चाहे आप मार्च की बात देख रहे हैं, मार्च में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर मार्च से पहले देख रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये उस टाइम पे आपकी एनर्जी रहने वाली है। सो एनर्जी कुछ इस तरीके से है कैप्रिकॉन सोल ट्राइब कि इसमें थोड़ा सा ही पास्ट का एक पिक होके आया है कि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और अगर थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग मैं आपको ना गाइडेंस भी दूंगी और थोड़ा सा आपको चेतावनी क्वेश्चन भी दूंगी मार्च के महीने में। तो यहाँ पे है कि अगर थोड़ा सा पास्ट का मैं देखूँ तो कैप्रिकॉन सोल ट्राइब ना अपने आसपास कुछ इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जनरली और कलेक्टिवली, जो कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाते हैं। और जो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ जनरली और कलेक्टिवली, वो कुछ इस तरह का भी है कि आप इन लोगों को पहचान भी नहीं पाते हैं। हो सकता है क्योंकि आपकी रीडिंग का टोन इस तरह का है कि ये इंसान काफी टाइम से आपके साथ है। आप कोई इसके साथ नो कांटेक्ट में नहीं है, ना ही आप इसके साथ ब्रेकअप्स में हैं, ना ही आप इसके साथ ऐसा है कि आपकी बातचीत बंद है, आपके लड़ाई झगड़े हो गए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कंस्टेंट लेवल पे, कंस्टेंट बेस पे, ठीक है, और आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको झूठ के पर्दे में रखा जा रहा है। आपकी आंखों के सामने एक होता है ना कि चीजें सामने है लेकिन एक पर्दा खींच देना, झूठ के पुलिंदे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। सो इस तरह के ढेर सारे लोग भी हो सकता है आपके आसपास हो सकता है ये लोग आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये आपके नियर एंड डियर वंस हो सकता है ये आपके कोलीग्स हो सकता है ये आपके नेबर्स हो सकता है ये आपके रिलेटिव्स हो, और हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये उनकी रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं। कि यहाँ पे कुछ माइंड गेम्स है, और इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग, एक टर्म होती है साइकोलॉजी में, उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। और एक इंसान नार्सिसिस्ट है वो समझ में आता है, ठीक है, एक इंसान साइकोपैथ है वो समझ में आता है, एक इंसान गया बीता है, एक इंसान अब्यूजिव है अपने बिहेवियर में, एक इंसान टॉक्सिक है वो समझ में आता है, उसको आप भी समझ लेते हैं। आप उसके साथ रहें या ना रहें लेकिन आप उसको पहचान लेते हैं कि यार इसका ये बिहेवियर ना बड़ा अब्यूजिव है, ठीक है, ये इसका बिहेवियर ना बहुत टॉक्सिक है, मैं इस टॉक्सिसिटी के साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। वो बहुत वोकल होता है, मतलब जो ये चीज़ें हैं ना, टॉक्सिक बिहेवियर, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, साइकोपैथिक बिहेवियर, ये सारे के सारे ना वोकल हैं, ये छुप के नहीं रहते हैं, सामने से ही वार करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो मैंने टर्म यूज़ किया है गैस लाइटिंग, आप इसको गूगल करना और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये वर्ड आया है और फर्स्ट टाइम ये वर्ड मैं रीडिंग में यूज़ कर रही हूँ जब से हमने रीडिंग्स अपलोड करनी शुरू की है। तो वर्ड है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है साइकोलॉजी का और ह्यूमन बिहेवियर का स्पेशली, कि एक इंसान इतना हद दर्जे का मैनिपुलेटर होता है, इतना हद दर्जे का झूठा, और इतना हद दर्जे का मक्कार और चालाक, मक्कार और चालाक साथ में, मक्कार के साथ साथ इतना चालाक कि वो आपके माइंड के साथ ना
इस तरीके से खेलता है, इस तरीके से माइंड के गेम्स प्ले करता है कि वो जो भी आपका बुरा करेगा ना, आपको लगेगा कि आपकी गलती है। नार्सिसिस्ट के साथ आपको ऐसा फील नहीं होगा, उसमें आपको लगेगा कि यार ये इंसान ना ऐसे कर रहा है, गलत तो ये है। ठीक है, साइकोपैथ के साथ आप साथ साथ पकड़ पाओगे कि इसका ये अब्यूजिव बिहेवियर है, ये इंसान जिसे हिंदी में बोल देते ना मीठी छुरी, मीठी छुरी टाइप का एक इंसान। ज्यादा तो मुझे एक ही इंसान पिक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों के केस में ये ज्यादा भी हो सकते हैं, या हो सकता है उनके आसपास मास्टरमाइंड एक हो और उसके चमचे हों बहुत सारे, लेकिन मोस्टली जो पिक कर पा रही हूँ ये एक ही इंसान है। तो ये इस हद लेवल की मैनिपुलेशन में आप हैं और आप काफी टाइम से इसके साथ हैं। हो सकता है ये आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, ये कोई भी हो सकता है, मतलब आई मीन कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो काफी टाइम से आपके साथ है। और यहाँ पे ये हद दर्जे की मैनिपुलेशन चल रही है और आप इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर ना नार्सिसिस्टिक नहीं है। ये इंसान है तो बहुत बड़े वाला नार्सिसिस्ट, लेकिन उसको छुपा के रखता है तो ये बहुत बड़े वाला साइकोपैथ, लेकिन उसको छुपा के रखता है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है गैस लाइटिंग। सो इस इंसान ने आपकी लाइफ में ना एक ऐसी जगह बनाई हुई है ना, एक ऐसी जगह बनाई हुई है कि आप इस पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ठीक है, और यहीं से मिलता है धोखा। और इस रीडिंग के बाद आप रिलेट कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ लाइफ में हुई होंगी कैप्रिकॉन सोल ट्राइब, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि आखिर हुआ कैसे, आखिर गलती किसकी है, आखिर में गड़बड़ कहाँ हुई है, आखिर मैंने गलती क्या की है। तो गलती आपकी यही है कि आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये मैनिपुलेटिव इंसान है, लायर है, झूठा है, चालाक है, मक्कार है, ये कोई भी हो सकता है। मुझे पिक नहीं हो रहा है कि ये आपका पार्टनर ही है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कुलीग भी हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान जो कंस्टेंट बहुत टाइम से आपके साथ है और आपकी गुड बुक्स में है, यानी कि आप उस पर बड़ा भरोसा करते हैं और बहुत ही अंधा विश्वास जिसे कहते हैं ना वो करते हैं। और ये है यहाँ पे मास्टर माइंड। देखिए ना, एक कार्ड को मैंने इतने लंबा एक्सप्लेन किया, ये कार्ड बहुत बार आता है रीडिंग्स में आता है, लेकिन आपकी रीडिंग में टोन इसका इतना हैवी था, इतना हावी था। ठीक है, और यहाँ पे इस इंसान को आप मार्च के महीने में पकड़ पाएंगे। क्यों पकड़ पाएंगे? आप तो नहीं पकड़ पाते, आप इतने लंबे टाइम से इसको पकड़ नहीं पाएंगे। आप इसलिए पकड़ पाएंगे कि भगवान ने यहाँ पे ना कहीं अपनी दया दृष्टि की है कि यार ये भोला पंछी इंसान इस चालाक इंसान के साथ मैनिपुलेट हुआ जा रहा है इतने टाइम से, इतने महीनों से, इतने सालों से, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है, तो मैं ही कुछ करूं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस है, क्योंकि व्हील का कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को भगवान ने घुमाने का सोचा है मार्च के महीने में, और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा तो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम भी जाए तो कुछ अच्छा ये होने नहीं देगा। बहुत जेलसी है इस इंसान के मन में ना, ये जो भी है, आई डोंट नो, रीडिंग को सुनते हुए देखते हुए आपके मन में जरूर समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। और इस इंसान को भगवान आपकी लाइफ में से निकालेंगे 100%। मार्च के महीने में ये इंसान आपकी लाइफ में से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आपको भी कुछ चीजें इस तरह की मार्च के महीने में समझ में आएंगी कि आप लाइफ को देखते हैं ना, आप लाइफ को देखते हैं कभी तो ऐसे कि बिल्कुल वाइट है, और कभी देखते हैं कि बिल्कुल ब्लैक है। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन की फीलिंग आप लोगों के अंदर भी आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन की फीलिंग, ये कार्ड जो होता है ना, एक तरह से इंटीग्रेशन का कार्ड है, कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, दुनिया जो है अच्छी भी है और बुरी भी है। दुनिया में जो लोग हैं वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और एक ही इंसान के अंदर एक अच्छाई भी हो सकती है और कुछ बुराई भी हो सकती है। अब तक आप किस तरह से देखते आए हैं लाइफ को कि ये इंसान बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल 100% अच्छा है। अब इस लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्या है और लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते इस तरह से ही हैं। इसको बोलते हैं डिकोटोमस थिंकिंग बोलते हैं इसको, कि या तो हम किसी को बिल्कुल अच्छा मानते हैं या हम किसी को बिल्कुल खराब मानते हैं। ठीक है ना, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। अब आप इस इंसान को मान रहे हैं बिल्कुल अच्छा और ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि दुनिया जो है दो रंगों से बनी हुई है,
ठीक है, सफेद से भी काले से भी, और दुनिया जो है ग्रे है एक्चुअल में, ना वो व्हाइट है ना वो ब्लैक है। यहाँ पे लोग ना तो बिल्कुल अच्छे हैं ना बिल्कुल बुरे हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं, किसी में 70% अच्छा है 30% बुरा है, किसी में 30% अच्छा है 70% बुरा है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन से चीजें बनी हैं, तो आपकी एनर्जी के अंदर, आपके ऑरा के अंदर, आपकी साइकोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं ये बैलेंस, इनर बैलेंस, और अपनी लाइफ की कमांड, अपनी लाइफ को कमांड करते हुए, ठीक है, अपनी फ्यूचर इवेंट्स को कमांड करते हुए, ये इंसान है ना कितनी कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है, ये इसकी लाइफ है एक तरह से, ठीक है। और ये इसकी साइकी के दो घोड़े हैं, जैसे हमारी बुद्धि होती है ना, बुद्धि अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि, ठीक है, दो तरह की बुद्धि होती है, द्वंद्व होता है उसके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सो कहीं ना कहीं लाइफ में, अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं आप। मार्च के महीने में ना कुछ इवेंट्स इस तरह के होंगे आसपास आपके, कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि आपको ना चीजें खुल के सामने आएंगी, और कुछ चीजें जिसे कहते हैं ना आंखें खोल देने वाली जो चीजें होती है कि उसके बाद मेरी आंखें ही खुल गई, यार ये क्या हो गया, तो उस तरह के कुछ इवेंट्स हैं। और लाइफ में पहली बार कैप्रिकॉन सोल ड्राइव ना अपनी लाइफ की जो गाड़ी है ना उसकी कमांड अपने हाथ में लेगा, ठीक है। और यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आई मीन वाओ। और यहाँ पे इस कार्ड को मैं कई तरह से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये कई तरह का वाइब पिक कर रहा है। अब यहाँ पे जब ये इंसान आपकी लाइफ में से निकल जाएगा और ये जादू की तरह से निकलेगा, ठीक है, हो सकता है ये खुद चला जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है, डिवाइन हमारे लिए ऐसा कर देते हैं कि इस इंसान को विदेश भेज दें कहीं ना कहीं, या इसका ट्रांसफर कर दें, या हमारे इससे लड़ाई हो जाए, या ये खुद ही कहीं बिजी हो जाए। सो तरह से चीजें होंगी कि लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में से निकल जाएगा और आपको लेसन दे के जाएगा, आप पहचानेंगे परखेंगे उसके बाद लोगों को ना, और लाइफ की कमांड को लेंगे अपने हाथ में। और यहाँ पे आप लाइफ के स्टेज पे हैं, कुछ भी कोई चीज स्टेज पे कब होते हैं हम, ठीक है, हमारा कोई कंपटीशन हम विन करते हैं तब हम लाइफ के स्टेज पे होते हैं, ठीक है। हम रियल में कोई परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप में से बहुत लोग हैं, ठीक है, जो आर्टिस्टिक फील्ड में, हो सकता है वो कोई परफॉर्म करें स्टेज पे, एक्चुअल में परफॉर्म करें और आपके लिए लोग यहाँ पे चीयर अप करें, तालियां बजाएं, ठीक है ना। और आप जो भी कर रहे हैं जहां भी हैं, कहीं ना कहीं फोकस लाइट आपके ऊपर है, ये है ना, फोकस लाइट आपके ऊपर है, लाइफ का फोकस, ठीक है, और लाइफ की फोकल लाइट वो आपके ऊपर है कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में। और जो लोग कहेंगे कि हम तो इस तरह से किसी भी फील्ड में काम नहीं करते हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, मैंगो मैन हैं, तो उनके लिए है गाइस, बहुत लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, रेडी हैं मेंटली फिजिकली साइकोलॉजिकली शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से रिश्ते की बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ रही है। मार्च के महीने में बहुत अच्छा चांस है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आए, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज हैं, इसको मैं शादी का कार्ड भी बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं लग रहा है लेकिन ये जो कार्ड्स होते हैं, इन वाले कार्ड्स में जब ये आता है कहीं ना कहीं, तो इसका बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे एक दूल्हा ना घोड़ी पे बैठ के बारात लेके दुल्हन को लेने जा रहा है। सो वो ही एक इम्प्रेशन वो भी है इसमें कि हाँ शादी के बहुत अच्छे चांस हैं, तो तब भी आप स्टेज पे बैठते हैं, चाहे आपकी मंगनी हो, रोका हो, इंगेजमेंट हो, ठीक है, शादी ही हो, तो कहीं ना कहीं स्टेज पे बैठते हैं, तो लाइफ की स्टेज पे कहीं ना कहीं आप हैं, यानी कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, चाहे किसी भी रीजन से है, आपकी शादी होती है, आपकी इंगेजमेंट होती है, तब भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, और ये आप सबको पता है। तो किसी भी तरीके से, आई मीन किसी भी तरीके से आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत बहुत अच्छा चांस है। इस इंसान को आपकी लाइफ में से निकाला जाएगा, ऑटोमेटिकली निकाला जाएगा, अचानक से निकाला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको रोते धोते भी मैं कहीं देख नहीं रही हूँ, कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी, आप मूव ऑन कर जाएंगे, लेट गो कर देंगे, ये सब चीजें पास्ट की रह जाएंगी। सो बहुत अच्छा यहाँ पे एनर्जी का आपका एस्पेक्ट है। अब आपकी डिटेल में रीडिंग करेंगे, एक सेकेंड गाइस, ओके। और कार्ड्स ना आपकी रीडिंग में मुझे शफल भी नहीं करने दे रहे हैं, फिसल फिसल के, उछल उछल के गिरे जा रहे हैं, ठीक है, ओके। आई थिंक इतने कार्ड्स हमें सफिशियंट हैं, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे आपकी मेन रीडिंग, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इस वाले कार्ड्स में ना, इसको मैं इसी के पास रखूंगी, अपनी कहानी बड़े अच्छे से बताई थी, ठीक है, टावर, बिल्कुल ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, फूल, आई मीन वाओ, वॉट अ कोइंसिडेंट,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जैसे ही मैंने ये आपको दिखाया था ना ऐसे उठा के, कि इस वाले डेक में ना, इस कार्ड में ऐसा लगता है कि एक दूल्हा जा रहा है घोड़ी पे बैठ के बारात लेके, लगता है इस कार्ड ने सुन लिया हाँ, और फटाफट से भाग के आया कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे आना है। अब देखिए, अब ये तो मतलब ना डबल जैकपॉट है, दो कार्ड्स सेम, और जो सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे पिक इसी कार्ड की हुई थी, और फिर से यही कार्ड आ गया है, यानी कि इसको तो आप ना क्लेम कर लीजिए, ये तो होने ही वाला है, और इसको तो मैं अच्छे से बाद में रीड करूंगी। अब यहाँ पे जो है ना हमारा कंसर्न है वो ये है कि टावर का कार्ड आया है और यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। और अब थोड़ी सी कहानी मुझे और डिटेल में समझ में आ रही है, क्योंकि एनर्जी में उतनी ज्यादा बातें डिटेल में समझ में नहीं आती है। अब सेवन ऑफ सोर्ड्स के बारे में आई थिंक मैंने 5-6 मिनट आपको एक्सप्लेन किया है, और मोर देन इनफ किया है। अब यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और ये सारे के सारे कार्ड डिसेप्शन के, धोखे के, चालबाजियों के, चालाकियों के ही होते हैं, ठीक है। सो मार्च के महीने में गाइज 100% है कि आपको इस इंसान से, ये कोई भी है, और इसको आपने अपनी लाइफ में जहां मर्जी तवज्जो दी हुई है, जितना मर्जी पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है, जितना मर्जी चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इसका टाइम पीरियड आपकी लाइफ में खत्म हो गया है, क्योंकि इसने आपको इनफ मैन्युपुलेट कर दिया है। एक इंसान का जितना फायदा उठा सकते हैं, अब मैंने वर्ड यूज किया था गैस लाइटिंग, और किसी इंसान के दिमाग के साथ खिलवाड़ करने के लिए मेरे ख्याल गैस लाइटिंग से ऊपर की कोई चीज है नहीं। तो आपको अगर अब तक ये लग रहा हो कि लाइफ में बहुत सारी चीजें मेरी खराब हो रही हैं, लेकिन कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, तार नहीं जुड़ रहे हैं चीजों के, तो मार्च में आपको ना उन सारी घटनाओं के तार जुड़ेंगे। और मार्च में ना आप लोगों के लिए टावर ब्रेक मोमेंट है। अब मैंने एनर्जी जब रीड की थी, चार कार्ड से हम कितना ही रीड कर सकते हैं, तो मैंने बोला था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि डिवाइन करेगा, ये टावर के कार्ड, डेथ के कार्ड जब भी आते हैं, डिवाइन इंटरफेरेंस के कार्ड होते हैं, जजमेंट के कार्ड, जस्टिस के कार्ड, और यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया था, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, ठीक है, व्हील का कार्ड आया था, सॉरी वर्ल्ड का नहीं, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड, इस तरह के जब कार्ड आते हैं, ये होती है डिवाइन इंटरफेरेंस, यानी कि यू आर डन विद हिम और हर, जो भी ये है इसके साथ आप डन हो चुके हैं, आपका इसके साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, आपने अपना लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। मार्च के महीने में इतना ही मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऑल ऑफ अ सडन बूम, जिसे कहते हैं ना कि एकदम से ही कुछ हुआ, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ, और भगवान ने इस इंसान को आपकी लाइफ में से उठा के फेंक दिया, और हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएगा सब कुछ, आप नहीं कहेंगे कि मुझे इससे बात करनी है, ना ही मुझे आप दिख रहे हैं इस तरह की सेंस में कि मेरी रिकन्सिलेशन करा दो इसके साथ, ना मुझे दिख रहा है कि आप इसके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में से ये ऐसे चला जाएगा इस टावर ब्रेक मोमेंट के साथ, और ये मार्च में है आप लोगों के साथ। और आपके केस में मुझे कार्ड्स तो हालांकि हर तरह के आए हैं, करियर के भी हैं, ठीक है, और लव एस्पेक्ट के भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी रीडिंग का टोन ना इमोशनल ही ज्यादा फील हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, करियर के रिगार्डिंग जितना है उतना भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो ज्यादा मुझे यहाँ पे पिक नहीं हो रहा है। तो कुछ होगा मार्च के महीने में कि इस इंसान से आपको मिल जाएगी मुक्ति, ठीक है। अब इससे मुक्ति मिल जाएगी तो हम इसको छुपा देते हैं। अब यहाँ पे है एक कार्ड आया है आप लोगों के लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स वो चीजें होती हैं, उस तरह की एनर्जी होती है, ये आपकी एनर्जी की आप हैं। सो कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा इमोशनल रहते थे, आप इमोशनल फूल बन के रही हैं इतने टाइम से, कहीं ना कहीं आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आएंगे, और जैसे कहते हैं तलवार उठा लेना, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपने लिए बोलना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, और ये गैस लाइटिंग बंद करवा देना कि ठीक है मैं अपने आप सोचूंगा, मेरे अंदर बुद्धि है सोचने के लिए, मेरे अंदर मन है मेरा, मेरे अंदर ब्रेन है, मेरे ब्रेन को वॉश मत करो, ठीक है, मेरे माइंड के साथ जो है मैनिपुलेशन मत करो, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सोच सकता हूँ अपने बारे में, सोच सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बोला था ना मैंने कि अपनी लाइफ की बागडोर, अपनी सोचने समझने की शक्ति है आपके अंदर, तो आप अपनी ही सोचने समझने की शक्ति से यहाँ पे चलेंगे, और हो सकता है आप लिटरली इस इंसान को बोलें कि आप जाओ मेरी लाइफ में से, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है, ठीक है, मैं अपना भला बुरा खुद से समझता हूँ या समझती हूँ। इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे, और न्यू बिगनिंग्स होती हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ना, ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स भी होती हैं, वो करियर में भी होती हैं, रिलेशनशिप्स में भी होती हैं, क्योंकि एक इंसान पहली बार ना एक फुलिशनेस को छोड़ के, एक चाइल्डिशनेस को छोड़ के, कहीं ना कहीं ना भोले बच्चे थे इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ ना आप आँख बंद करके भरोसा करते थे,
और एक भोले बच्चे बन के रहे हैं कहीं ना कहीं, और अनड्यू एडवांटेजेस इंसान से आपका लिया है, ठीक है। वो क्या है, कैसे है, वो आप समझते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ही यही कि आप स्ट्रांग बनेंगे, अपनी जो बचपना था ना उसको छोड़ेंगे। और ये बचपना मोस्टली रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग था। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो हम बिल्कुल भोले बच्चे बन जाते हैं कि ठीक है अब तुम ही मुझे संभालो, तुम जैसे कहोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। सो ये यहीं पर आपने धोखा भी खाया है, यही आपका लेसन भी है, यही आपका कार्मिक साइकिल था जो आपने कंप्लीट किया है। तो मुझे आप बहुत अच्छे से ग्रेसफुली मूव ऑन करते हुए लग रहे हैं यहाँ पे, और आप काफी स्ट्रेंथ का परिचय देंगे। यानी कि ना मतलब आपको लगता है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन जब ये टावर ब्रेक मोमेंट आएगा तो वो मैंने छुपा दिया यहाँ पे, टावर ब्रेक मोमेंट जब आएगा तो आप स्ट्रांग निकलेंगे। क्योंकि आपकी रीडिंग का टोन देखिए ना कि कितने साल से इस इंसान के साथ थे, ठीक है। इसने काफी आपका भरोसा तोड़ा, दिल दुखाया, मैनिपुलेट किया, हर तरीके से अनड्यू एडवांटेज लिया, लेकिन जब टावर बर्स्ट मोमेंट हुआ, जब एक हुई बात कि ठीक है अब इसके बाद नहीं, तो आप फिर काफी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, आप काफी स्ट्रोंग निकले हैं यहाँ पे। आपने फिर आंसू नहीं बहाए हैं, ठीक है, फिर आपने बार बार मौके नहीं दिए हैं कि आज ब्लॉक किया कल अनब्लॉक किया, बस बात खत्म होगी तो बात खत्म होगी, आपने फिर मुड़के नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि आपने अपना 100% इस रिलेशनशिप में दिया था, ठीक है। सो फिर आपने आगे ही बढ़ने के बारे में सोचा कि ठीक है अब इस तरह की बातें और नहीं होनी है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, डिवाइन विल के आगे फिर किसी की नहीं चलती है। और यहाँ पे इतनी प्यारी सी, ये कार्ड बहुत रेयर आता है रीडिंग में, आई थिंक ये सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आया है, हमने सैकड़ों रीडिंग्स कर दी हैं, तो फूल की एनर्जी में है। और आपकी पूरी रीडिंग का टोन देखिए ना, कितने कम नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है, इतना कुछ नेगेटिव है लेकिन कार्ड्स कितने कम नेगेटिव आए हैं, क्योंकि आप अपनी साइकी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं हार्बर कर रहे हैं। ये इंसान नेगेटिव था लेकिन आप इसके साथ भी जब तक रहे हैं बहुत खुश रहे हैं, बहुत इत्मीनान से रहे हैं, बहुत हौसले से रहे हैं, और जिसे कहते हैं अंधा विश्वास कर लेना, बिल्कुल इनोसेंट होके रहे हैं, ठीक है। सो आपने ये इनोसेंस इस सब के बाद भी नहीं खोई है। मोस्टली क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि हमारा कोई रिलेशन टूट गया है, या किसी ने हमें धोखा दिया है, या किसी ने हमें ठगा है, या किसी ने बहुत साल हमें अंधेरे में रखा है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम ना कड़वे हो जाते हैं, हमारे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, हमारी आत्मा तक कड़वी हो जाती है, हम कड़वा ही बोलते हैं, कड़वा ही सब कुछ देखते हैं, ठीक है, और फॉर टाइम बीइंग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आपके केस में क्या है, जब तक आप इसके साथ रहे तो भी ठीक रहे कि ठीक है अपना 100% दे रहा हूं, इसको पेडेस्टल पे उठा के रखा, बिल्कुल भगवान की तरह, देवता की तरह, लेकिन जब छूट गया तो छूट गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आपके केस में ये हुआ है कि अगर नजर के सामने से गया तो दिल से भी गया, और ये बहुत अच्छी बात है, और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, गोइंग विद द फ्लो चलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी एनर्जी में है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने का नंबर ही है 0। 0 का क्या मतलब होता है, एक चीज का इतना बड़ा विस्तार था लेकिन समा के 0 हो गई और दोबारा से एक कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल 0 से शुरू करूंगा अपनी लाइफ को, तो इस तरह का एस्पेक्ट है कैप्रिकॉन सोल ट्राइब में कि मैं बिल्कुल 0 से, बिल्कुल 0 से शुरू करना क्या मतलब, उसको नेगेटिव मत समझिए। 0 का मतलब है कि एक नई रिलेशनशिप अगर शुरू करूंगा या करूंगी तो मन में ये चीजें नहीं रखूंगा या रखूंगी कि किसी ने मुझे धोखा दिया था, अब अगले वाला भी मुझे धोखा देगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, नहीं। 0 से शुरू करना कि एक नए फेथ के साथ शुरू करना, 0 से शुरू करना कि जो पुरानी चीजें हैं उनको बिल्कुल छोड़ देना, 0 से शुरू करना, यानी कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है आप लोगों की रीडिंग में, 0 से शुरू करना, और बहुत स्ट्रांग रहा है सोल ड्राइव। मुझे पर्सनली स्ट्रांग लोग बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही स्ट्रांग रहा है। और ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड तो बस दो डेक डिफरेंट है, एक ही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए ढेर सारा एस्पेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपकी रीडिंग में मुझे 80% रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट और हार्डली 20% करियर का एस्पेक्ट दिख रहा है मार्च के महीने में। मैं क्या करूं, मुझे जैसा पिक होता है मैं वैसा बोलती हूं। तो यहाँ पे है कि कुछ लोग हैं जो करियर में ही झंडे गाड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो ढेर सारे झंडे आप गाड़ेंगे भी, ठीक है। और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं जो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचते थे, ठीक है, आपके बारे में भला बुरा बोलते थे और ये चिढ़ते भी हैं आपसे, ये जेलसी का एस्पेक्ट भी है आप लोगों के आसपास, लेकिन कोई बात नहीं, जिसे कहते हैं ना कि
मजबूरी में फिर झंडा उठाना पड़ता है, तो ये झंडा उठाएंगे कहीं ना कहीं आपका, और आप तो विक्टर रहेंगे, विक्ट्री है आप ना मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आप। कुछ लोग शादी है, रिलेशनशिप है, ठीक है, रोका वगैरह सेरेमनी है, कोई सेलिब्रेशन है, उस तरह से भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। बहुत अच्छे चांस हैं आप लोगों की शादियों के, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में थे और वो ब्रेकअप हो गया, फिर अब घर वालों की मर्जी से शादी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, और कुछ अड़चन थी वहां पे, तो वो भी दूर होगी और बहुत धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से, खुशी के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, बड़ों के संग साथ के साथ यहाँ पे शादी, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे अरेंज है, चाहे लव कम अरेंज है, होते हुए मुझे दिख रही है। और चटमंगनी पट ब्याह जैसी चीजें बहुत हैं, मतलब अचानक ही एकदम ही, ठीक है, चाहे वो लव मैरिज थी तो उसमें था कि घर वाले मान नहीं रहे थे, अचानक ही मान गए, अचानक ही सब हो गया, ठीक है, चाहे रिश्ते आ रहे थे, बात आगे नहीं बढ़ती, अचानक ही बात आगे बढ़ी और रिश्ता फिक्स हो गया और शादी होगी। शादी बहुत जल्दी होगी, मार्च के महीने में शादियों का, सेलिब्रेशन का, रिश्ते पक्का होने का बहुत है। और कुछ है 20% जो पिक कर पा रही हूँ करियर में, कॉम्पिटिशन में विन करते हुए, लाइफ के स्टेज पे कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए, अगर आप परफॉर्मर हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के चांस हैं। डिजिटल मीडिया में है, क्रिएटिव मीडिया में है, डिजिटल क्रिएटर वगैरह हैं, उन लोगों के बहुत अच्छे चांस हैं मार्च में, ठीक है। अगर आप हैं ही जॉब के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, अभी सिंगल हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं तालियों की गड़गड़ाहट होगी आपके लिए, जो भी चाहेंगे उसको अचीव करते हुए, एक विक्टर की हैसियत से जीतने वाले, ठीक है, प्रमोशन लेते हुए आगे बढ़ने वाले, सैलरी हाइक्स, ठीक है, इस तरह का ढेर सारा यहाँ पे एस्पेक्ट है। अब जितने वर्ड्स बोलूँ उतने कम हैं, बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी ये रीडिंग है, क्लेम कीजिएगा आपको, ठीक है, और मुझे बताइएगा आप लोगों से कितना रेजोनेट की है, ठीक है, और अंत भला तो सब भला, ठीक है कैप्रिकॉन्स। और यहाँ पे है कंट्रोल है और फाइटिंग है, टोटैलिटी है एंड इनोसेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कंट्रोल की बात है, तो आपके केस में क्या है कि आप ना बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक बन के नहीं रहे हैं, ना तो आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक बन के रहे हैं, ना लाइफ में आप टोटली जनरली कंट्रोल फ्रीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप गोइंग विद द फ्लो गए हैं। मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किए थे कि गोइंग विद द फ्लो, फ्लो जैसा था, मतलब जैसा था आपने वैसा रिएक्ट किया, ठीक है, आपको सब ठीक लग रहा था तो आप ठीक थे, आपको ठीक नहीं लगा तो आपने मूव ऑन कर लिया, निकल गए वहां से, मुड़के नहीं देखा फिर, ठीक है, आपने क्लोजर की वेट नहीं की सामने वाले की, ठीक है, आपने उससे माफियों की उम्मीद नहीं की, आपने उससे एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाही, बात आपको समझ में आ गई, दिख गई तो खत्म हो गई, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आप ना तो कंट्रोल फ्रीक रहे हैं, ठीक है, और यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको नहीं रहना है, और आप नहीं रहे हैं तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और आप फाइटर हैं और आपने फाइट किया है, ये फाइटिंग वाला ही कार्ड है कि स्ट्रेंथ है, ठीक है, एक तरह से रिपीट ही होते हैं कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपने फाइट किया है हर लेवल पे और ग्रेसफुली फाइट किया है, ठीक है, और निकल आए हैं आप उस चीज में से, क्योंकि टावर मोमेंट में से निकलने के लिए भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। और लाइफ की जर्नी को ना आपने चाहे इस इंसान के साथ चाहे किसी और लिहाज में कहीं ना कहीं टोटैलिटी को फील किया है, टोटैलिटी, वो मैंने बोला था ना ये वाला कार्ड कि ब्लैक एंड व्हाइट जो दो चीजों से बना हुआ है, जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्रेड से बनी हुई है ना हमारी लाइफ, जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्रेड से बनी हुई होती है, तो उन दोनों थ्रेड्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हुए कि हाँ एक के होने के लिए दूसरे का होना भी जरूरी है, तो उस तरह का टोटैलिटी का एस्पेक्ट है यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर करेंगे मार्च के महीने में और आप कर लेंगे। और यहाँ पे फाइटिंग वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इनोसेंस और ये कार्ड मैंने बताया था, अब चाहे इसे इनोसेंस कह ले यहाँ पे, ठीक है, और चाहे इसको फूल कह ले यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप इनोसेंट रहे हैं, ठीक है। अब फूल को मूर्ख बुद्धू ऐसा नहीं बोलते, अब लिखा फूल हुआ है बाई चांस, ठीक है, फूल का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो चीजों को पर्सनली नहीं लेता है और बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाता है बुरी चीजों को, बुरे एक्सपीरियंसेस को, इधर हुआ इधर छोड़ दिया, लेट गो करता है, मूव ऑन करता है, फूल का मतलब ये होता है। तो कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हुए, अपने मन को खट्टा ना करते हुए, कड़वी यादों को ना संभालते हुए, ना सहेजते हुए लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हुए इनोसेंटली यहाँ पे मार्च के महीने में आप हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे मून से, क्योंकि इमोशंस का एस्पेक्ट काफी ज्यादा आया है, तो मून से हमें अच्छी गाइडेंसेस मिल जाती हैं।
शायद उल्टे पकड़े हैं मैंने ये, उल्टे हैं ये। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपने ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं बहुत बार, जब लोग ना लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ सामने आ जाना जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम भगवान का नाम जपना, भगवान की शरण में रहना, बहुत ज़्यादा अपने में रहना, उस तरह से करने लगते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर इस तरह का हो तो आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में बैलेंस के साथ चलना है, किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं चले जाना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपके गोल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है, कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, ठीक है, कोई ड्रीम करियर की स्ट्रीम हो सकती है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हों, तो उन सब के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कुछ लोग हैं जो शादी ही करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, सेटल्ड हैं अभी और अच्छे से सेटल डाउन होना चाहते हैं लाइफ में, तो उनके लिए भी है कि आप बहुत नज़दीक हैं इन सब चीज़ों के लिए। मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंथ होने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और जो भी आपको मिल रहा है, भगवान जो भी आपको दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ही मेहनत का परिणाम है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जितनी भी बातें हुई हैं दे ऑल आर कंक्लूजन्स, और मार्च के महीने में वो सारे के सारे आपकी रीच में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और कार्ड्स लेंगे हम, एंजल की गाइडेंस लेंगे, एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं इस सब के रिगार्डिंग। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप किसी प्रॉब्लम में अगर हैं, कोई आंसर चाहते हैं, तो आंसर हमेशा हमारे अंदर ही होते हैं, हमें पता होते हैं सारे आंसर। सो आपको जस्ट ऐसा करना है कि 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठना है साइलेंस में और अपने क्वेश्चंस अपने मन के अंदर अंदर ही पूछने हैं, तो हो सकता है आपको उसी टाइम पे इमिडिएटली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए, तो डिवाइन जो है बहुत तरीकों से उस क्वेश्चन का आंसर हमें देते हैं। कभी सपनों में हमें वो चीज़ इस तरह से डिकोड की जाएगी कि हमें आंसर मिले। हो सकता है आप कोई वीडियो एकदम से देख लो कि हाँ यहाँ पे मेरा आंसर है। हो सकता है कोई आपको एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दे और वहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की हो कि हाँ मेरा आंसर मिल गया, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है वेट है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ कोई एजेंडा ऐसा हो सकता है जहाँ पे एंजल आपको बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी वेट है उस चीज़ के रिगार्डिंग। और यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल हैं आपके आसपास, लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे खुशी खुशी, बशर्ते कि आप उनसे हेल्प मांगें, उनको अपने दिल का हाल बताएं। रिकवरी है यहाँ पे, यहाँ पे ये फिजिकल रिकवरी से ज़्यादा मैं मेंटल रिकवरी, क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया हुआ है, आपकी एनर्जी की साइकिल्स को डिस्टर्ब किया हुआ है, ढेर सारी मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश, ढेर सारी गैस लाइटिंग, ढेर सारा सेल्फ डाउट क्रिएट किया हुआ है। तो मार्च के महीने में आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आपको इस चीज़ से भी रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पे ना कुछ एडिशनल गाइडेंसेस भी हम लेते हैं बहुत बार, वहाँ से भी हमें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। सो आपके केस में है ब्रीदिंग, आप प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं ज़मीन पे बैठ के, एंड व्हीकल का योग है, कोई भी जो व्हीकल आपको रिक्वायर्ड है, जो व्हीकल का आप ड्रीम देखते हैं कि इस तरह की गाड़ी चाहिए, इस तरह का टू व्हीलर भी हो सकता है किसी के केस में, किसी को फोर व्हीलर चाहिए, किसी को कोई पर्टिकुलर ब्रांड का व्हीकल चाहिए, तो वो है रेस्ट अश्योर्ड, बिल्कुल विश्वास रखिए सब चीज़ें होंगी अपने टाइम से बड़े अच्छे से। एंड फरी बेबी है भाई, कोई पेट है, कोई पेट है जो बेसब्री से आपकी लाइफ में आना चाहता है, और हो सकता है आप उसे लेके आए, हो सकता है वो खुद ही अपने पैरों से, नन्हे नन्हे पैरों से चलता हुआ आपकी लाइफ में आ जाए। सो ये गाइस आपकी रीडिंग है, और रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।